मनुष्य के भक्ति श्रद्धा और ओकर कर्मन के फल के रक्षा हेतु देवी शक्ति सती के रूप में आत्मदाह कर ले रहली। आत्मदाह के बाद भगवान विष्णु सती के अंगन के सुदर्शन चक्र से विखंडन कर कहलन। यह संसार में जहाँ जहाँ भी सती के अंग गिरल उस सब स्थान शक्ति पीठ कहलाये। उ सब शक्ति पीठन के रक्षा खातिर शक्ति पीठ के रक्षक भैरव प्रकट भइलन। आज हम रउआ के शक्तिपीठ कालिका के कथा बतावे जा रहल बानी। यह शक्तिपीठ के देवी के नाम माता भद्र काली बा और यह पीठ के रक्षक भैरव नकुलेश बाड़न और यहाँ देवी सती के दाहिना पांव गिरल रहे। कालिका शक्तिपीठ के दर्शन करे वाले भक्तन के जीवन से तंत्र मंत्र के प्रभाव समाप्त हो जाला। संसार में सब प्राणियन की नियति पूर्व निर्धारित होखेला, परंतु नियति और भाग्य ही प्रबल ना होखेला। कर्म के द्वारा ओ नियति के बदलल भी जा सकेला, परंतु ई केवल मनुष्य के कर्म पर ही निर्धारित होखेला। यदि मनुष्य के कर्म अच्छा होखे तो वो अच्छा नियति की ओर बढ़ेला, और यदि बुरा कर्म करेला तब बुरा दिशा की ओर ही अग्रसर होखेला। अर्थात जैसन कर्म करबा फल भी वही के अनुरूप मिली। जजमान, ई पूजा आराधना ते एगो माध्यम बा मन के शांति खातिर। आई मुहूर्त हो रहल बा, पूजा शुरू कइल जाए। जगत के पालन करता भगवान विष्णु के साक्षी मान के रउआ संकल्प ली कि रउआ जीवन में कोनो दुष्कर्म ना होखे, सब सत्कर्म होखे और ये संसार में राउर कीर्ति और यश फैले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साधारण से देखे कोनो मायावी शक्ति बा जन हमनी के पूजा और आराधना के खंडित करे के उद्देश्य से यहाँ प्रकट भइल बा। कैसन भयावह स्थिति बा, जब भी केहू पूजा पाठ करे खातिर बैठेला तो शेर के रूप में विचित्र शक्ति आके जजमान के उठा के ले जाला और ये भय से लोग पूजा पाठ कई बंद कर देले बने। ऐसे तो बड़ा अनर्थ हो जाई, पूजा आराधना ही समाप्त हो गई तो अधर्म के ही बोलबाला हो जाई। निश्चित ही कोनो आसुरी शक्ति के कार्य होखी जे धार्मिक कार्य में विघ्न उत्पन्न कर चाहत बा। भी जीवित ना बची पृथ्वी लोक के वासी लोग, हम आ गए बानी तुहार काल बनके। हाहाहाहा
पता ना केबा का चाहत बा, कैसे नरसंहार कर रहल बा। हे प्रभु, हमने के रक्षा करी, हमने के माता के शरण में जाके आराधना करे के होकी। माता सती संसार में रक्षा और अधर्मियन के नाश करे खातिर अपना आप के संसार में पिंड के रूप में स्थापित कईले बाड़ी। तब फिर हमनी के शीघ्र ही काली घाट पहुँचे के चाही। उहुआ माता कालिका के रूप में स्थापित बाड़ी। संसार में महिषासुर के पाप बढ़ चुकल बा, वह धर्म के मार्ग पर चल पड़ल बा, अनीति के सब सीमा पार कर चुकल बा। यदि महिषासुर यही प्रकार यजमान लोग और ब्राह्मण लोग के संहार करत रहल त संसार में ईश्वर के भक्ति करे वाला केहू शेष न रही। देवराज कुछ करी। हम ऐसा होखे ना देव गुरुदेव, अभी स्वयं जाके एकर गर्व के धूमिल कर दे। हे भद्रकाली, नमन स्वीकार होखे हमनी सब। मातेश्वरी, हमनी बड़ा संकट में बानी। हमनी जानत बानी कि संसार में केवल रुआ असुरन के वध करे और धर्म के स्थापना करे हेतु आइल बानी। हाँ माता, रक्षा करी हमनी के। आसुरी शक्ति धार्मिक कार्य में अड़चन उत्पन्न कर रहल बा। लोग भयग्रस्त होके पूजा पाठ के कार्य से मन मोड़ रहल बाड़े। माता, पूजा पाठ ना करे के अर्थ यह बा माता, संसार में अधर्म के स्थापना। माता, हमनी के मार्गदर्शन करी। के मार्गदर्शन करी रउवा लोग के। कैसे आग्रह कर रहल बानी रउवा लोग? ये पत्थर के पिंडी से जौन स्वयं एगो जलल स्त्री के बा, भला ए में का शक्ति हो सकेला? तू के बड़ा और माता खातिर ऐसा अपशब्द काहे कह रहल बड़ा? हम अपशब्द नहीं की कह रहल, हम रउवा सब लोगन के सत्य से अवगत करा रहल बानी। रहल बात हमार त इतना जान ली कि हम रउवा सब लोगन के शुभचिंतक बानी, रउवा सब लोगन के भला चाहत बानी। बाकी पिंड त हमनी के रक्षक बा, ए पर त हमनी के पूर्ण विश्वास बा। यदि रक्षक बाड़ी त पत्थर के पिंडी बन के चुप काहे बाड़ी? यजमान ब्राह्मण भक्त ऋषि सबके वो शेर खा गई, वो समय ही वो लोग के रक्षा काहे न कैली? तनी विचार करी, ये शेर इनका सवारी बा, वह नरबक्षी सबके मार के खा जाला और भाग जाला। इनकर स्तुति करके भला केहू के कहा रक्षा मिल सकेला? तो रउवे बताई हमनी के केकर पूजा करे के होखी ताकि हमनी के प्राण बच सके। हमरा लगे एगो मार्ग बा, यदि तू सच्चा मन से होकर पूजा अर्चना करा तो वो अवश्य तू लोग के रक्षा कर सकेला और तू लोग के कुछ ना होगी। बतावत बानी, तनिक धैर्य रखी। हम ही बानी सर्वशक्तिशाली महिषासुर, तू सब लोगन के रक्षक। यदि तू लोग हमार पूजा अर्चना करबा त तू लोग के कोनो कष्ट ना पहुंची, काहे कि हम बानी ये पृथ्वी के ईश्वर अर्थात जगदीश। ये पिंड तू लोग के का रक्षा करी जे खुद ही निर्जीव बा। हमनी तो वही के लगे जाई जी हमनी के प्राण के रक्षा करी। यदि रउआ हमनी के प्राण के रक्षा करब तो आज से अभी से हमनी राउर आराधना शुरू करत बानी। महिषासुर के जय, महिषासुर के जय, महिषासुर के जय, महिषासुर के जय। महिषासुर, तू हमार माता के आस्था के खंडित कर आपन मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहल बाड़ा।
महिषासुर तुहार अधर्म से मनुष्य के हानि पहुंच रहा बा साहस बा तो हमसे युद्ध करा देवराज इंद्र हमार तोहरा से युद्ध करे के कोनो इच्छा ही नहीं के परंतु यदि तू युद्ध चाहत बाड़ा तो युद्ध अवश्य होगी हम तैयार बानी ओकरा खातिर देव राजेंद्र तू हमके ललकर ले बाड़ा अब हमके तोहार वध करही के होकी तो महिषासुर के अचूक अस्त्र बा ये अस्त्र के प्रहार अति घातक बा इसे केहू ना बच सकेला हमके इसे बचे के होखी ये कैसा अनर्थ हो रहा बा महिषासुर देवराज इंद्र के पराजित कर देलस ऐसे तो पाप बढ़ जाए अब यह संसार से धर्म के नाम भी समाप्त हो जाए एक दुष्ट के रोके खातिर कोनो तो उपाय करे के ही पड़ी महिषासुर मनुष्यन के अपन भय से भटका के उनका आस्था के खंडित कर रहल बा मनुष्यन की आस्था के परीक्षा भी बा और भय के पराकाष्ठा भी यदि भैरव मनुष्य के रक्षा करत भी बाड़े तब उनकर भय पूर्णता समाप्त ना होगी महिषासुर के अंत करे से अधिक महत्वपूर्ण लोगन के हृदय से भय के दूर करे के होखी भैरव महिषासुर के रोके खातिर जौन भी करिहन उस समय के अनुसार करिहन तब तक लोगन के अपन भय पर स्वयं ही विजय प्राप्त करे के होखी
अति उत्तम भ्राता रक्त बीज व्यग्र रूप धर के जौन तू लोगन के भयभीत कैले बाड़ा, ओकरा फल स्वरूप आज हर जगह हमार जय जयकार हो रहल बा। आज हम बहुत प्रसन्न बानी, किंतु महिषासुर ई भय अधिक दिन तक टिकी ना। मनुष्य सब देवी देवता के पूजा अर्चना कैल बंद कर देले बाड़न, जैसे कि उनकर वर्चस्व घट रहल बा। देवता चुप ना बैठी हन, वो अपन खो गल प्रतिष्ठा के पुनः प्राप्त करे खातिर कौनो न कौनो छल अवश्य करी हन। तोहार कथन था सत्य बा, किंतु तोहरा लगे देवता सबसे निपटे के कोनो और उपाय बा ता सुझाव था। एगो मार्ग बा भ्राता, यदि रउआ चाहता नहीं कि मनुष्य जाति राउर पूजा अर्चना करें तो शक्ति पिंड के हमेशा हमेशा खातिर खंडित करे के होगी, ओके नष्ट कई के ओकर अस्तित्व के ही समाप्त करे के होगी, ताकि दैवी शक्ति संसार में लोगन के सुरक्षा खातिर उपस्थित ही ना होके। संसार में सबसे बड़ा अपराध होखेला मनुष्य के ओकर आस्था और कर्म से भटकावल, और जे भी अपराध करेला ओकर केवल एक्के गो दंड होखेला, और उ दंड बा मृत्यु। हे भैरव, हमार नमन स्वीकार करी। आज्ञा करी हमके का करे के बा। नकुलेश भैरव, तू हमार ही एगो अंश बाड़ा, हमार ही एगो रूप बाड़ा। काली घाट शक्ति पिंड के रक्षा के दायित्व तुहार बा। जाओ शक्ति पिंड के रक्षक बन के आपन धर्म निभावा। जौन आज्ञा भैरव। आज संसार से भद्रकाली के अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। असुर लोग खंडित कर दाए धार्मिक स्थान के। लहरा दा असुरन के विजय पताका चारों दिशा में। हम स्वयं अपना हाथ से शक्ति पिंड के नष्ट करा और देखत आनी एकर रक्षा के करी। रक्त बीज तोहार अधर्म चरम सीमा के पार कर चुकल बा। अब भी समय बा, रुक जा, अन्यथा यह तोहार मृत्यु के कारण बनी। तू हम क्यों रुक बा भैरव? शक्ति पीठ के रक्षक अभी तोहरा में वो सामर्थ्य नहीं खे। तू हमार कुछ भी अहित ना कर सकेला भैरव। रक्त बीज, हम तोहके अंतिम चेतावनी देत बानी। यदि तोहके आपन प्राण प्रिय बा आगे मत बढ़िया। ये कैसा असुरी माया बा, और इतना सारा रक्त बीज कैसे उत्पन्न हो गई ले? हमार माया तुहार समझ से परे बा भैरव। बस इतना ज्ञात हो के भैरव, जितना रक्त हमार शरीर से बही वो रक्त के एक एक बूंद एगो नया रक्त बीज के जन्म दी, हमके ही वरदान दी। यदि केहू हमार वध करे के प्रयास करे तो हमार रक्त के एक एक बूंद एगो दूसर रक्त बीज के जन्म दे दे। तथास्तु।
तू इस शक्ति पीठ के रक्षा करे में असमर्थ बाड़ा भैरव। तोहर हर प्रहार तोहरे विरुद्ध काम करी। हे मातेश्वरी, शक्ति दी हमके, राउर रक्षा के वचन ले ले बानी हम, और हम ओके पूर्ण रूप से निभाई, और एकरा खातिर हमके ये मायावी रक्त बीज के पथ में अवरोध उत्पन्न करे के होखी। ई ऊर्जा चक्र रउआ के सुरक्षा प्रदान करी और ये असुरन के रउआ तक पहुंचे से रोकी। शक्ति से तू शक्ति पिंड के सुरक्षा तक कर लेला भैरव, किंतु हम भी देखत बानी की कब तक शक्ति पिंड के सुरक्षा करवा भैरव। हमने असुरन के रोग पाइल संभव नहीं खे भैरव। महिषासुर संसार के अधिपति बाड़न, त्रिलोक में उनकर साम्राज्य बा। ए शक्ति पिंड समेत तोहरा के भी हमनी के शरण में आवे के होखी भैरव, तबे तू ये धरती पर रह पैबा, अन्यथा हमनी तोहार नाश कर दे भैरव। क्षमा करी देवराज इंद्र, परंतु एमे हमनी के कोनो दोष नहीं खे। अब यदि संसार में ही पूजा अर्चना हवन बंद हो गेल बा, त हमनी भविष्य कहाँ से और कैसे लाई। किंतु स्वाहा, मनुष्य द्वारा दिहल गई आहुति ही हमनी देवता लोक के शक्ति और ऊर्जा प्रदान करेला। यदि उहे आहुति हमनी के ना मिलल त हमनी के शक्ति क्षीण पड़ जाई। जानत बानी देव, किंतु मनुष्य इतना भयग्रस्त बाड़े कि वो यज्ञ ही नहीं खन करत। यज्ञ अनुष्ठान यदि ना होखी तो हमने आउती कहाँ से लेके आई देवराज। कुछ भी करा, कैसे भी भविष्य लावा। स्वाति, स्वाहा, मनुष्य लोक से मनुष्यन द्वारा दिहल गई आहुति के कार्य तू दोनों के सौंपल गई बा। तू भली भांति जानत बाड़ू कि यदि पृथ्वी लोक से हमनी के आहुति ना मिलल तो हमनी देवता लोक के अस्तित्व संकट में पड़ जाई। देवराज इंद्र, स्वाति और स्वाहा के क्षमा करी, एमे इनकर किंचित मात्र भी दोष नहीं खे। गीता यज्ञ में चढ़ावल गई वस्तु सबके और उनकर आहुति के धूम्र के रूप में सब देवता तक पहुंचावे के कार्य करे ली। यदि मनुष्य लोक में यज्ञ हवन ही ना होगी तई भला हविष कहां से ला पाइए। हविष प्राप्त करे खातिर कोनो दूसर मार्ग ढूंढे के होगी। मार्ग अब कोनो दूसर मार्ग नहीं खे गुरुदेव, हमनी के महिषासुर से युद्ध करके ओके रोके के होगी। ई संभव नहीं खे देवराज, असुर और देवता में यदि युद्ध भइल त असुरन के विजय सुनिश्चित बा। हविष के अभाव में देवता लोक के शक्ति वैसे ही छीण बा। वो महिषासुर के मायावी शक्ति के सामना कैसे कर पाई है, और अब त महिषासुर और शक्ति अर्जित करे खातिर
धाम से एक यज्ञ प्रारंभ कर दे ले बा। तो फिर हमनी का करी गुरुदेव? काय संकट के कोनो समाधान नहीं थे? रवा के चिंतित होके की आवश्यकता नहीं थे देवराज। समाधान के रूप में भैरव स्वयं पृथ्वी पर उपस्थित बाड़े। वो महिषासुर के मायावी शक्ति के सामना सहजता से करके सब सहन कर लिए। ए युद्ध में उद्योता लोक के रक्षा अवश्य करिए। हे मातेश्वरी, हम भैरव शक्तिपीठ के रक्षक राउर आह्वान करत बानी। प्रगट होखी धरी आपन विकराल रूप। शक्तिपीठ के त हम सुरक्षित कर लेले बानी माता, परंतु असुरन के दुष्कर्म से इस संसार में राउर भक्ति भाव खंडित हो रहल बा। प्रगट होखी देवी और असुरन के नाश करके आपन महिमा के पुनः स्थापित करी। नकुलेश भैरव, शक्ति पिंड के रक्षा करे खाते हम तोहारा आभारी बानी। असुरन के वध भी निश्चित बा, किंतु ज्ञात रहे महिषासुर के अंत करे खाते हमार ही रूप में कौनो दिव्य स्त्री की आवश्यकता बा। जिनकरा लगे सब देवता लोक के शक्ति के समावेश होखे और सब देवता के शस्त्र उनकरा लगे होखे। केवल उहे ओकर अंत कर सकेली और ओकर अधर्म के नाश भी। हम समझ गए नी देवी कि हमके का करे के बा। संसार में राउर महिमा के केहू खंडित ना कर सकेला, फिर चाहे वो कितना शक्तिशाली ही काहे ना होखे। हे त्रिदेव, अब रउए लोग के हमनी देवता के रक्षा करे के होखी, अन्यथा हमनी के अस्तित्व ही समाप्त हो जाई। हाँ प्रभु, हविष के अभाव में देखी हम सब देवता लोग के का हालत हो गई बा। अगर शीघ्र ही कुछ ना भइल तो हमनी के अंत निश्चित बा। त्रिदेव, भैरव के नमन स्वीकार करी। वरदान के फल स्वरूप महिषासुर के अंत तबे संभव बा जब सब देवता के शक्ति एगो स्त्री धारण करस। यही से रउआ सबसे निवेदन बा कि रउआ सब आपन शक्ति देवी के समर्पित करी, तबे महिषासुर के विनाश संभव हो सकी। ऐसा नहीं होगी भैरव, हमनी सब देव माता के अपन अपन शक्ति प्रदान करो। प्रणाम गुरुदेव। देखनी रउआ कैसे ही संसार बस हमार ही वंदना हमारी पूजा कर रहल बा। ए संसार में इष्ट बन गइल बानी हम, हर जगह बस हमारी हमार पूजा हो केला। सावधान महिषासुर, अति अहंकार सर्वनाश के कारण हो खेला। क्या थोके की तोहार एगो वरदान तोके तोहार दुष्कर्म से बचा ना पाई। जैसन मति हो खेला वैसन गति के प्राप्त होख बा। जौन बीज बोवले बाड़े उहे कट बा। बाकी हम बीज बो चुकल बानी गुरुदेव, वो अब असुर साम्राज्य में परिवर्तित हो चुकल बा। अब चिंता के का आवश्यकता बा गुरुदेव? चिंता और चिता में अधिक अंतर ना हो खेला। मस्तक चरण में क्षमा याचना करेला। हम तो के इहा चेतावे आइल बानी
धोखे मारे खाते देवता लोक की योजना प्रारंभ हो गई बा। सतर्क रही है। हे देवी माँ, महिषासुर के वरदान प्राप्त बा कि हमनी के शक्ति के धारण करे के पश्चात ही रउआ ओकर वध कर पाई। यही से हमनी सब देवता राउर शरण में आइल बानी। हमनी के उद्धार करी माता। हे माता, हमारी वज्र धारण करके हमके कृतार्थ करी। ए वज्र के प्रहार अति घातक बा। एकरा होखते केहू के पराजय असंभव बा। हम रउआ के आपनी वज्र समर्पित करत बानी। शक्ति के संगे संगे ज्ञान भी अति आवश्यक होखेला, जौन उचित निर्णय लेवे में निर्णायक सिद्ध होखेला। हम बृहस्पति देव आपन संपूर्ण ज्ञान रउआ के समर्पित करत बानी। संगत, महिषासुर के काल बनके हम ओकर वध करब। किंतु गुरुदेव, हमरा लगे संसार के हर चाल के काट बा। रवा चिंता मत करी, राव और शिष्य महिषासुर के केहू ना मार सकेला। जेकर भक्षक ही ओकर रक्षक होके भला ओके के मार सकेला। हमके चिंता ते ये बात के बा महिषासुर, कि कहीं अधर्म के मार्ग पर चला चलत तू कोनो ऐसा निर्णय मत ले लिया जौन तोहर अंत के कारण बन जाए। ढोकी देवी, आपने भक्त महिषासुर के दर्शन दी, कृपया प्रकट होकी हमरा खातिर। देवी, यदि आज रउआ हमके दर्शन न दीनी तो हम अपन शीश इहे हवन कुंड में अर्पित कर देव और अपन जीवन लीला हमेशा हमेशा खातिर यह समाप्त कर दे। दान के वशीभूत होके सर कटे को प्राण भी हमके नया जीवन मिल रहल बा। बाकी हम नया जीवन भी रउआ के अर्पित करत रहब माँ, रउआ के अर्पित करत रहब। रउआ के समर्पित करत रहब, रउआ के प्रकट होखें के होखी। We'll be right back.
हम ना रुकब, समर्पित करत रहब रउआ के आज प्रकट हो कहीं के होके। ठहरा महिषासुर। बोला का चाहत बाड़ा, काहे आवाहन कैला हमार? माता, हमके ज्ञात बा कि हमार वध रवे हाथे निश्चित कैल गइल बा, किंतु हम कोनो पाप न कैनी। हमार मृत्यु के कोनो कारण नहीं थे। हम जानत बानी कि देवता रुवा के सब शक्ति देले बाड़े हमार वध करे खातिर। हमनी असुरन के संगे हमेशा से ऐसे ही हो रहल बा। बाकी हम राउर भक्त बानी, यदि रउआ चाही तो हमार वध कर सके नहीं। हम आज रउआ समक्ष प्रस्तुत बानी माता। ना महिषासुर, ए समय हम तोहार वध ना कर सके नहीं। ए समय तो कोनो भी अधर्म के कार्य नहीं का कैले, अपितु आपन बलि चढ़ा के हमार वरदान के पात्र बन गए बाड़ो। मांगत का चाही वरदान में? माता, रउआ करुणा के सागर बानी, इतना दयावान बानी, मां संभवता इसने होकत होखिए, किंतु हम दुर्भाग्यवश अपन माता के प्रेम ना पा सकनी। किंतु हम इतना बड़ा दुर्भाग्यवान बानी कि हमरा जन्म के उपरांत ही हमार माता के अग्नि में जल के मृत्यु हो गई। हम मातृत्व के अभाव में ही सदा जियत रहल बानी। रउआ तो जगत जननी बानी, अब तो हमार एक ही कामना बा कि रउआ हमार माता के रूप बन के हमरा संगे चली, हमार महल में रही और उहें वास करी। तथास्तु, ऐसने होखी। चला महिषासुर, हम तोहरा संगे चले खातिर तैयार बानी। हम कृतज्ञ भैनी माता। चली माता। हमरा रहते तू माता के कहीं ना ले जा सकेला महिषासुर। हम इनके कहीं नहीं खेले जात, स्वयं हमरे संगे चल रहल बाड़ी। और यदि तो के लागत बा कि हम कोनो अधन कर रहल बानी, तो हम माता के यहीं रह के उनका चरण में उनका सेवा करब। ना महिषासुर, तू हमके मात्रे रूप में पुकार ले बाड़। आपन भक्त के इतना अभिलाषा तो हम पूर्ण कर ही सकेनी। हम तोहरा संगे अवश्य आई। आई माँ,